काल मुगली गोठातून घनश्याम रामांच्या माणसाकडून एक खबर येऊन धडकली आणि आम्ही निशब्द झालो. आमचं सोंग वठवणारा रायाजी नावाचा या शिवदौलतीचा एक मावळा औरंगाच्या हाती सापडला. मुघली गिधाडांनी लय हाल केला असतील त्याचा, पण तेवढेच करून थांबले तर ते मुघल कसले. मैताच्या टाळूवरचे लोणी खाणारी ही जमात आता औरंगा नवी खेळी मांडतोय. खुद्द स्वारी त्याच्या कैदेत असल्याची हूल पेरण्याच्या तयारीत येतो. त्यासाठीच त्यांनी रायाजींच्या अंगावरील आमची आभूषण आणि आमच्या सारखा एक ताईत करवून घेऊन एक स्वार त्यांनी रायगडाकडे धाडलाय. म्हणजे राजाच पकडला गेला असा बनाव करून रायगड पडेल अशी त्याची धारणा होती. पण घनश्याम रामांनी त्याचा डाव हाणून पाडलाय. औरंगाने पाठवलेला स्वार मध्ये गाठून त्याला संपवला आणि आता ते स्वतः रायगडाकडे दौडत आहेत येसुबाई महासाहेबांना वेळीच सावध करण्यासाठी. मासा, गडाखाल निरोप आलाय. इतिकात खान आपल्याला भेटायची अर्जी मागतोय. वजीर पुत्र इतिकात खान, तातडीचं काय बाय काम आहे. तो स्वतः आपल्याला भेटासनी आलाय. दोन तीन घटकात पोहोचून जाईल. येऊ द्या त्यांना, परंतु निशस्त्र. खानाला नक्की काय भेटायचं असेल? घातपात करायचा इरादा तर नसेल? सुनबाई, तुम्ही भेट नाकारावी. हे तुर्क येवन काही सीधे साधे नाहीत. आम्ही खानाला जरूर भेटू. भेट नाकारण्याचे काहीच कारण नाही. सिंहाच्या गुहेत घुसून हमला करण्याची जिगर या मुघली लांडग्यांच्यात हरगीज नाही. बघूया हा खान काय प्रस्ताव आणतो ते. खानाच्या विश्रांतीसाठी अतिथीगृह सज्ज ठेवा. पण यामागे नक्कीच औरंगजेबाचेच कारस्थान असू शकते. कारस्थान असणार हे तर नक्कीच, परंतु औरंगजेबाच्या मनात काय आहे हे इतिकात खान आल्यानंतरच कळेल. पण घनश्याम रामास रायगडावर पोहोचण्यास यश मिळेल? कारण इतिकात खानाच्या प्रचंड फौजेचा वेढा गडालाय. वेढा फोडून गडावर एकटा माणूस जाणार तरी कसा? आणि समजा खानाने त्यास पकडून बोलते केले तर मोठा गहज भूल राजे. बड़ी अच्छी खबर लाए हो घनश्याम राम. वो मरहट्टू का राजा राजाराम पकड़ा गया. हम ये खबर उस संभा की बेवा येसुबाई को सुनाने के लिए बेकरार है. हुजूर, वो राजाराम नहीं पकड़ा गया, उसका बहरूपिया पकड़ा गया है. कितनी बार कहा है बहरूपिया लफ्ज़ जुबां पर नहीं आना चाहिए. दोबारा अगर ऐसी गुस्ताखी की तो भले ही त्यांचा जन्म उत्तरेतील असेल, पण उरात स्वराज्य आणि मनात भगवा ध्वज फडफडतोय त्यांच्या. सबब, त्यांचे रक्षण आपण केलेच पाहिजे. संताजीराव, धनाजीराव, घनश्याम रामांच्या रक्षणासाठी जरूर ते सर्व काही करा. तुम्हें क्या लगा, तुम कुछ भी बकोगे और हम तुम पर एतबार कर लेंगे? अगर ये तुम्हारी सोच है तो तुम गलत हो. हमारे वालिद कभी भी तुम पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं सौंपेंगे, क्योंकि तुम एक काफर हो. काफर हो तुम लईम. गड चढून तुम्ही थकला असा, तवा थोडी विश्रांती घ्या. मासाहेब येसुबाई दोन तीन घटकानंतर तुमची भेट घेतील.
हाँ साहब, आप यसुबाई साहिबा से मुलाकात कर लीजिए, हम बाहर रुकते हैं। भला हम ठहरे एक मामूली खादिम, और यहाँ आपके साथ रुकने की हमारी ना हैसियत है और ना ही हमारी इतनी जुर्रत हुजूर। घनश्याम राम, तुम यही हमारे साथ रहोगे। वजीर आजम, अब्बा हुजूर के डेरे से उनका वो खास खादिम घनश्याम राम कहाँ गायब हो गया? उसे जमीन खा गई या आसमान निकल गया? अब्बा जान की जरूरी चीजें, नमाज की चद्दर, शाही सिरपोश, सब उस नामुराद को ही पता है। कहाँ गया वो? घनश्याम राम तो बादशाह सलामत का भरोसेमंद खादिम है, वो बिना बताए कहीं जा ही नहीं सकता। आप रुकिए, हम खुद जांच करते हैं। सुनो, फौरन जाओ, उस नामुराद घनश्याम राम को ढूंढो, जाओ। हम तुम्हें अकेला छोड़ ही नहीं सकते, तुम हमारे पीठ पीछे सारा खेल बिगाड़ दोगे। हमें तुम्हारी फितरत पर एतबार नहीं है काफर, और यहां तुम्हें किसी से भी कोई भी बात करने की इजाजत नहीं है, और हमारी आंखों से दूर होने की कोशिश भी की तो हम तुम्हें कीले से नीचे फेंक देंगे। हमारे साथ आए हो तो हमारा अक्स बनकर रहो। हुजूर, क्या है, क्या खबर है, और तुम्हारे चेहरे पे ये मातम क्यों छाया हुआ है? घनश्याम राम की कोई खबर नहीं है हुजूर, खोज जारी है, लेकिन अब एक नया मामला सामने आया है। या अल्लाह, कुछ तो बनाव है। इसे हमने भेजा था हमारे बेटे इतियाद खान के पास हमारा पैगाम लेकर। यहाँ हमारा हाशिम मर जाता है और वहाँ घनश्याम राम गायब है। इस माजरे के तय तक पहुँचना होगा हमें यहाँ से। हाँ आलम पना, लेकिन इस वक्त राजाराम हमारे कैद में है, ये खबर इतिहाद खान तक पहुंचना बहुत जरूरी है। क्यों ना हम खुद रायगढ़ रवाना होकर इतिहाद खान से मिले और रायगढ़ पर येसुभाई से मिलकर उसे ये कहे कि राजाराम अब हमारे कैद में है। आला हजरत, हमें रायगढ़ पर जाकर येसुभाई से मिलने की आप इजाजत दे। नहीं, आप रायगढ़ नहीं जाएंगे। रायगढ़ पर कौन जाएगा ये हम तय करेंगे। आप घनश्याम राम को ढूंढिए। जी। हमारे ख्याल से वजीरे सल्तनत को रायगढ़ पर रवाना कर देना चाहिए अब्बा हुजूर। शहजादी, अभी आपकी सियासती दाव पेज की तालीम कच्ची भी है और कमजोर भी। हमने अगर असद को रायगढ़ भेज दिया तो वहां उसका बेटा अपनी फौज के साथ मौजूद है। अगर वो मराठों से जाकर मिल गए तो? अब्बा हुजूर, हमें नहीं लगता वजीरे सल्तनत ऐसी कोई गलती करेंगे। वो सिर्फ इस सल्तनत के वजीर ही नहीं, आपके खाला के बेटे भी हैं, भाई हैं आपके। इसीलिए करेगा। मुगलिया रिवाज है, भाई भाई को धोखा देता है, तगाबाजी करता है। दुरुस्त फरमाया अब्बा हुजूर आपने, हमें सियासती मामलों का बिल्कुल इल्म नहीं।
अपना मुल्क आबाद रखने के लिए अपने जानशीन का हक छीन कर अपने देवर को तख्त नशीन करने वाली मरहट्टों की रानी कहा और अपने ही भाई पर भरोसा न रखने वाले हमारे वालिद कहा। राणी साहेब एवढे अस्वस्थ का आहात? कोणत्या विचारात मग्न आहात? तारा कधीतरी विचारांचा बांध तोडून व्यक्त होण्यास वाव द्या। बोला आमच्याशी, काय झालंय? राजे, आमचं मन काय सांगू पाहतंय हे आमचं आम्हालाच कळत नाही आहे। आमचं चित्त थाऱ्यावर नाहीये, डोक्यात चिंतेचं वारूळ फुटलंय। फक्त इतकंच कळतंय की जे समोर वाढून ठेवलंय ते दिसतंय तेवढं सोपं हरगीज नाही। आमचं ऐकाल, आपण थोडी विश्रांती घ्या, शांत झालात की आपली मनोदैवता आपल्याला निश्चितच मार्ग दाखवेल। रानी साहब, हमारे इस आदमी के मुंह को जख्म हुई है और वो जख्म इतनी डरावनी है कि आपके सामने आने से पहले ही हमने इसका मुंह कपड़े से ढक दिया। खान साहेब, आपण आपल्या सेवकाच्या तब्येतीची माहिती देण्यासाठी निश्चितच आलेले नाही आहात। मुद्द्याचं बोला। आज कितने दिन हुए हम किलाबंदी कर रायगढ़ घेर बैठे हैं। आप भी दिलो जान से लड़ रही हो, हार को जीत में बदलने की कोशिश कर रही हो आप, लेकिन आप भी अच्छे से जानती हो आप मुगलों से जीत नहीं सकती। जब तक आप रायगढ़ हमारे हवाले नहीं कर देती तब तक किलाबंदी नहीं हटेगी। किला हमारे हवाले कीजिए, हमारी पनाह में आ जाइए, मुगल सल्तनत की माथत बनिए, यही समझाने हम यहाँ आए हैं। अरे हट, कठिन मरू पण शरण येणार नाही। बच्चा है, दुनियादारी नहीं समझता, लेकिन आप तो समझदार हो रानी साहब। जी गोष्ट आमचे बाळ राजे जाणतात ते तुम्हास समजू नये। तुम्हाला आमचं उत्तर मिळालं असेलच आणि राहता राहिला प्रश्न आम्ही शरण येण्याचा, तर ध्यानात असू द्या, आमच्या संताजीरावांनी खुद्द बादशहांच्या 3 लाख फौजेच्या छावणीत घुसून शाही तंबूचे कळस कापून नेले। त्यावेळी तुमचा बादशाह झाडासारखा जनानखान्यात लपून बसला होता। आमचे केवळ एक सेनानी तुमच्या 3 लाख फौजेची दाणादाण उडवू शकतात? तर मग छत्रपती राजाराम राजे, संताजी धनाजी यांच्यासारखे शूर सेनानी तुमचा हा वेढा केव्हाच फोडतील? राजाराम राजा पर आपको कुछ ज्यादा ही एतबार है रानी साहब। हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। शायद आप पहचान जाए,
राजाराम राजा हमारी कैद में है। हमने सोचा ये खुशखबर हम आपको खुद आके यहाँ दे दे, इसीलिए इतना सख्त किला चढ़कर यहाँ आए हैं रानी साहब। अब तो ये किला हमारे शिकंजे में आने वाला है। हमें आपके फैसले का इंतजार रहेगा रानी साहब। आपको एक चीज दिखाना तो हम भूल ही गए रानी साहब। एक दिवस हमसे दादा महाराज आम्हाला प्रेमाने इथे घेऊन आले, त्यांनी त्यांच्या कंठातला हात तहीत काढून आमच्या दंडाला बांधला। इस ताईत को तो पहचानती होगी ना रानी साहब, ये ताईत संभाजी राजे ने राजा राम राजा को दिया था। उन्होंने ये बात खुद बादशाह सलामत से कही, कहा कि उनके बाकी जेवरात देखकर येसुबाई साहब को शायद यकीन ना हो, आप समझेंगी मुगल झूठी खबर फैला रहे हैं, इसलिए उन्होंने खुद ये ताईत निकाल कर दे दिया। अब तो आपको हम पर भरोसा है ना रानी साहब। अल्लाह ताला की मेहर से राजा राम राजे हमारी कैद में है। जगदंबे, हे तू काय स्वप्न दाखवलं आम्हास, काय संकेत देऊ इच्छितेस आई? तारा काय झालं? आम्ही आपल्या ओरडण्याचा आवाज ऐकला, अशा घामाघूम झाल्यात? काही विचित्र स्वप्न पडलं का आपल्याला? होय राजे, खूप भयानक स्वप्न पडलं राजे। रायगडी सिंहासनाला एका भयानक अजगराने विळखा घातलाय, तो त्याचा विळखा अजून घट्ट करून सिंहाने सिंहासन गिळंकृत करू पाहतोय। राजे काय अर्थ असेल या स्वप्नाचा? काही काही अपशकून तर घडणार नसेल ना राजे? राजे पहा ना, पहाट होत आली आणि पहाटेच्या प्रहरी पडणारी स्वप्न खरी होतात म्हणे। काय दैवी संकेत असेल राजे?